सेठी साहब के स्टॉक्स अब लेते हैं। सेठी साहब के वैसे तो लॉन्ग टर्म स्टॉक भी शॉर्ट टर्म हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म तो सर्किट ही लगा देते हैं। आइए सेठी साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक, और अगर कोई अपडेट भी देना चाहे तो मैं राजेश जी पूछना भूल गया, राजेश जी से भी वापस पूछूंगा, उनका भी कोई अगर वो अपडेट देना चाहते हो आप अपना तैयार रखें। और सेठी साहब बताइए आप अपना लॉन्ग टर्म स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, एक तो जहां तक अपडेट का सवाल है, फ्राइडे के सत्र में जब बाजार में मार्केट मची हुई थी तो मैंने जाते जाते एक स्टॉक शॉर्ट टर्म के रूप में दिया था, पॉलीकैब 870 के लेवल पर रेकमेंड किया था, अभी 894-95 है, ऊपर में शायद 905-10 का लेवल भी आज दिखा है, तो अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में 915 के जो मेरे टारगेट है वो आज अचीव होने चाहिए। और जहां तक लंबी अवधि के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक का सवाल है, तो मैंने आज पिक किया है केमिकल सेक्टर से एक कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है, पहले भी कई बार चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। स्टॉक का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है भारत की, एक निश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं, और ये अगर इसके आप फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही सॉलिड है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 37%, और अगर पिछले 5 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 20% की कैगर से प्रॉफिट्स ने ग्रोथ दर्ज करी है। ये स्टॉक हाल ही के दिनों में जो बाकी कंपेरेबल स्टॉक्स है जैसे आरती इंडस्ट्रीज या नवीन फ्लोरिन, उनको अंडर परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, और आने वाले 9 से 12 महीने में इसमें मेरा टारगेट रहेगा 1250 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, 1250 रुपए के टारगेट के लिए 9 से 12 महीने के लिए करें खरीदारी, विनती ऑर्गेनिक्स, ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक जो यहाँ पर सेठी साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आइए अब सेठी साहब से लेते हैं उनका स्टॉक SPL मिड कैप्स में पोजिशनल तौर पे कौन सा स्टॉक है सेठी साहब को पसंद, सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल तौर पे मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ एक फाइनेंशियल सर्विसेज यानी मेजरली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, और ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो काफी अच्छा किया है, जो कि इनके जून क्वार्टर के जो नतीजे है उसमें देखने को भी मिला है, शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए जून क्वार्टर में, और अगर आप इनके बाकी फंडामेंटल्स देखेंगे वो भी बहुत ही शानदार है, और शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स अराउंड 70% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, और FIIs GIIs मिलकर 21% होल्डिंग इसमें मेंटेन करते हैं। बाजार के दो दिग्गज मोतीलाल ओसवाल जी और रामदेव अग्रवाल जी इनके मैनेजमेंट मतलब MD और जॉइंट MD है। मुझे ये स्टॉक बहुत ही पसंद है, मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 725 ऑन द स्टॉक, स्टॉप लॉस डालना है 650 रुपए। एक स्टॉक और आपके पास बाकी है और वो है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर देने वाले हैं आपको SPL मिड कैप स्टॉक में इस वक्त सेठी साहब, आइए सेठी साहब से लेते हैं उनका पसंद का शेयर, सेठी साहब बताइए शॉर्ट टर्म में कौन सा स्टॉक पसंद है मिड कैप कैटेगरी में। बिल्कुल अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टॉक का दाम है अभी 235 रुपया, स्टॉक का नाम है CESC वेंचर्स, ये कंपनी एक CRP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये कि आजकल के दिनों में जो ये लॉकडाउन का पीरियड था उस दौरान फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL में एक शानदार तेजी बनी है, 35 रुपए से 55 रुपए तक के भाव आ गए। ये जो कंपनी है वो FSL में 54% हिस्सेदारी मेंटेन करती है, जिसकी वैल्यू आती है 2000 करोड़ रुपए की, और कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज की दिन में सिर्फ 600 करोड़ है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये कंपनी कलकत्ता में एक क्वेस्ट मॉल है उसको ओन करती है, फिर एक बोलोपीडिया करती है इनकी सब्सिडियरी है जो कि 11 रेस्टोरेंट्स चलाती है कलकत्ता दिल्ली NCR में, रेस्टोरेंट्स के नाम है वेफल वाला, फिर द शेफ्स बाउल, फिर ये FMCG में भी है, इनका एक ब्रांड है 2YUM करके, वो ब्रांड को विराट कोहली इंडोर्स करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अंडरवैल्यूड है, आपके DIIs और FIIs मिलकर करीबन 33% हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं, प्रोमोटर्स के पास 50% हिस्सेदारी है, इस स्टॉक पे मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 250 रुपए का टारगेट रहेगा, 225 का स्टॉप लॉस डालना। अच्छा सेठी साहब, ये तो समझ में आता है कि भाई इनके ब्रांड एम्बेसडर कोहली साहब है, इनके प्रोडक्ट भी आपको ध्यान में रह जाए वो भी ठीक है, कलकत्ता में कितने इनके रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंट के नाम भी आपको याद है, खाने पीने का इतना गजब शौक है आपको। नहीं जी, खाने पीने का तो शौक है लेकिन इनके रेस्टोरेंट जो है वो मैं गया नहीं हूँ, मैंने तो जस्ट ये आपके चैनल पे बोलने के पहले जो कंपनी की स्टडी करी है उसमें से आया कि इनके 11 रेस्टोरेंट है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, और उस लिहाज से मुझे पता है कि इनके 11 रेस्टोरेंट के चेन भी है। अच्छा, और उस 2YUM के बारे में क्या विचार है जिसके कोहली साहब ब्रांड एम्बेसडर है?
नहीं, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, स्नैक्स बनाती है, जैसे चिप्स होते हैं, फिर आपके गुजिया वगैरह वो सब बनाती है, अच्छा ब्रांड है, ईस्टर्न इंडिया में काफी पॉपुलर है, और मुझे लगता है वो भी एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है जो कि इसकी वैल्यू में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी होगी, और बाकी मीडियम से लंबी अवधि में भी वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा लगता है, और अच्छा एक रिटर्न निवेशकों को बनना चाहिए उसमें भी।